हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग हम 24। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये कमेंट कीजिएगा कि जितना हमने पढ़ाया था उसमें से पेपर कितना आया हुआ था। देखिए, आपने बहुत सारे चैनल्स को फॉलो किया होगा, तो आप बताइएगा आपने जो आपको पेपर आया हुआ था सबसे ज़्यादा किसके द्वारा पढ़ाए हुए में से आया था। और देखिए, हमने ऐसा भी नहीं कि आपको सब कुछ करवाया था, हिंदी भी पूरी करवाई थी, इंग्लिश भी पूरी करवाई थी। मैंने जो कवर कर पाया था आपका मैथ, मैंने पूरा कवर करवाया था आपका, और एचपी जीके पूरी कवर करवाई थी। और देखिए, मैथ का मैंने देखे हैं क्वेश्चन, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन उस तरीके के मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, और बहुत ही अलग अलग तरीके से और बहुत छोटी छोटी अप्रोचेस के साथ आपको मैंने यूनिक अप्रोचेस के साथ बताया कि उन क्वेश्चन को आप हल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने हिंदी की सिर्फ एक या दो क्लासेस लगाई थी, और वो किस पर लगाई थी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। मैंने क्या कहा था कि इनसे आपके तीन या चार क्वेश्चन बनेंगे, और आप पहले ही पेज में देख सकते हैं कि विशेषण से ही तीन चार क्वेश्चन बने, और वो भी कैसे, उस तरीके का मैंने आपको समझाया हुआ भी था। अगर किसी से आपने पढ़ा भी होगा तो मुझे लगता है आपको वहाँ पर प्र विशेषण विशेष्य ऐसा भी बताया गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि बहुत चतुर बालक या बहुत सुंदर बगीचा, तो उसमें मैंने कहा था कि सुंदर उसकी विशेषण है, तो आगे बहुत लगा हो तो बे उसका प्र विशेषण है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बी सीरीज है मेरे पास, हिंदी सेक्शन शुरू करते हैं। देखिए, जो मैं आपको आंसर बताऊंगा बिल्कुल आप उस पर यकीन कर सकते हैं, उस पर आप वो आपको सही बताया जा रहा है आंसर। वो कोई भी अगर किसी पर डाउट होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, वैसा भी इस पर डाउट है तो इसको आप 50-50 ही समझिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पर डाउट इसलिए है क्योंकि देखिए, जहाँ पर कठोर लिखा तो मेरे अकॉर्डिंग तो पौरुष ही होना चाहिए, क्योंकि परुष मुझे कोई शब्द नहीं लगता, ना ही परुषी। परुषी अगर होगा तो भी स्त्रीलिंग के रूप में यूज़ हो रहा है, परुषत्व नहीं हो सकता क्योंकि परुषत्व एक भाव होगा। जहाँ पर कठोर लिखा ना कि कठोरता, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग पौरुष होगा। अब इसको थोड़ा डाउट समझ सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से कई आम गिरे, तो इसका आंसर होगा अपादान। और अपादान ही होगा, जब देखिए किसी से कोई चीज़ अलग होती, बिछड़ती है, तब अपादान। वैसे देखिए, से दो जगह यूज़ होता है, परंतु इस सेंस में पेड़ से, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होगी तब हम अपादान कारक का यूज़ करते हैं। अब यही वाव समास का तो बरपेट। नेक्स्ट है, मंगल भवन अमंगल हारी, हरु नाथ मम संकट भारी। मैं शंद है तो जे चुपाई है। वेदों की रचना किस भाषा में, तो वैदिक संस्कृति में हुई है। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। मैं मंद मंद क्या है, तो मुस्कुराना उसकी क्रिया है और मंद मंद उसकी क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रवीण बड़ी चतुर है, जे मैं क्वेश्चन आपको करवाया हूँ, एग्जाम्पल और दी थी, परंतु मैंने बताया था आपको जब बड़ी चतुर, जैसे सब कुछ मैंने बताया हुआ आपको, चतुर इसमें इसकी विशेषण होगी, चतुर क्या इसमें विशेषण यानी कि इसकी विशेषता है, परंतु उस हमने उसमें पूछा बड़ी क्या है, तो बड़ी चतुर यानी कि विशेषण की भी विशेषता, तो प्रविशेषण। नेक्स्ट है, अपनाना क्रिया किससे बनी है, तो सर्वनाम से बनी है। ज्यो, इसे वैसे ज्यो कहते हैं, ज्यो में मिलन है तो डी आंसर होगा, ज्यो प्लस अण। जे समस्या अत्यंत कठिन है, में अत्यंत क्या, तो प्रविशेषण। पहले जैसा क्वेश्चन, कला निधि का पर्यायवाची, तो कला निधि चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा को आप देख लीजिए, चारों में चंद्रमा का ऑप्शन कौन सा है, तो राकेश। धर्माधर्म, तो द्विगु समास। भाषा से क्या तात्पर्य, तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। कोई क्वेश्चन आपको लगे गलत आंसर बताए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया, तो 10 जनवरी। रिज का विलोम अर्थी शब्द, तो रिज नहीं, जहाँ रिजू होना चाहिए, वैसे इन्होंने रिज दे रखा, तो होगा क्या, बकर। बकर होता है, रिजू का जो विलोम शब्द होता है बकर। समुद्र, वक्र, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द, तो दावानल जंगल की आग को कहते हैं। तो जहाँ पर पूछा क्या है, समुद्र की आग, तो उसे क्या कहा जाएगा, बड़वानल। नेक्स्ट है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बाणी, में किस परिवर्तन का उल्लेख, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी स्वाद और बोली के शब्दों का। पन्न प्रत्यय वाला शब्द, मैंने उपसर्गो प्रत्यय की क्लास लगाई, मैंने आपको एक ट्रिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप प्रत्यय जो उपसर्ग को उससे अलग करें, शब्द से जो शब्द बनना चाहिए वो एक सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका भी अर्थ होना चाहिए। तो पनगढ़ तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें प्रत्यय पूछा तो प्रत्यय होता शब्द के अंत में लगता है, जो उसके शुरू में लग रहा नहीं होगा। ओपन को मुझे शब्द ही नहीं लगता। सत्यापन, अगर सत्यापन में अगर मैं उपसर्ग सॉरी प्रत्यय और शब्द को अलग करूँ, तो शब्द क्या होगा इसमें सार्थक, सत्य, सत्य, तो सत्य प्लस आपन। तो पूछा मुझे पन्न प्रत्यय का, तो मेरा आंसर एक ही बचा, डी, बड़प्पन। महर्षि का संधि विच्छेद, महा जमा ऋषि। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वाक्य है, जय गाय का असली दूध, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो मैंने मार्क कर रखे हैं काले स्केच से, वो आंसर सही है, जय गाय का असली दूध। असली गाय नहीं आएगा, कोई गाय असली नकली नहीं होगी, दूध असली नकली होगा, तो जे गाय का असली दूध है। तत्सम शब्द कौन सा, तो उज्ज्वल, क्योंकि सारे ऑप्शन में उज्ज्वल ही दे रखा आपने, बस ये देखना कि उज्ज्वल का शुद्ध यानी कि उज्ज्वल को हम शुद्ध रूप से लिखते कैसे हैं, तो ऑप्शन ए होगा, ज दोनों आते हैं वो आधे आधे आएंगे।
तत्सम शब्द भी होते हैं ऐसे संस्कृत के शब्द जिनका हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है। तो उज्ज्वल हम हिंदी में वैसे ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। उज्ज्वल भविष्य आपने सुने होगा ऐसा। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ है वैसा बेमेल तथा बेडंगा। अगर आपने मेरी 50 मुहावरों वाली जिसने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने अभी उसका एक बताया था, उसका प्रयोग भी बताया था कि मुझे याद आज भी अभी भी क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था कि पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को आधा तीतर तथा आधा बटेर बना दिया, ऐसा था कुछ बताया था मैंने आपको। देवालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। सूचक का समानार्थक शब्द होगा द्योतक, बाकी इसमें कोई मिलता जुलता ही नहीं है। जंगम का विलोम होगा सत्थावर, सत्थावर, ठीक। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। 26 से 28 तक के क्वेश्चन में आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। ही डील्स इन स्टेशनरी, द टाइगर वॉज किल्ड बाई द हंटर, नेक्स्ट ही इज वीक इन केमिस्ट्री, चूज दी राइट सेंटेंस। तो जे मैंने देखिए मैंने सिर्फ आपकी एक ही इंग्लिश की क्लास लगाई, बोल गई हुई है आर्टिकल्स की, वो भी सिर्फ आधी अधूरी। उसमें मैंने कहा था अभी मैंने आपको 10 और 12 और रूल्स बताने हैं, परंतु देखिए जितने मैंने रूल्स बताए उसमें से ये क्वेश्चन बन चुका है। मैंने आपको जब करवाया था होली बुक्स की जो धार्मिक ग्रंथ है उनके आगे द का यूज़ होता है, तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वाल्मीकि रामायण, ठीक है। मैंने अब याद देख सकते हैं वो वीडियो जाकर कोई इसमें, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं उसमें एक बोलकर एग्जांपल बताई थी कि कालिदास इज़ दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जी आप देख सकते हैं मैंने उसमें कहा गया है मेरे द्वारा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही समझा दिया था तो आंसर तो आपको कर आना ही चाहिए था। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि किसी के नाम के आगे प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज़ होता ही नहीं है, जैसे कालिदास द नहीं होगा, द नहीं होगा। जो ऑप्शन डी मैंने क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि द इंडिया लिखा, इंडिया के आगे द का यूज़ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन जिन कंट्रीज़ में आता है उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, इंडिया के आगे द का यूज़ नहीं होगा। तो मेरा आंसर बचा क्या, ए, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30, वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज, तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। अगर सेफ के बारे में पूछा तो भी एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण, एडवर्ब होता है विशेषण की विशेषता। नेक्स्ट अगर चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स तो बिक्सन होगा, जंगवन ऑफ शिप तो लैम्ब होगा, काफ फॉल नहीं होगा क्योंकि फॉल तो डोंग उसका होता है शायद, आस का डोंकी का, कब भी नहीं होगा, काफ उसका होगा, हाँ इसका आंसर जो होगा लैम्ब ही होगा। नेक्स्ट है वोकेशन, तो वोकेशन का हमने क्या निकालना है, मीनिंग ऑफ द जाने के सिनोनिम ही बताना, ठीक है। ऑक्यूपेशन होगा इसका। इम्पीरियस का आंसर होगा, अब देखिए इम्पीरियस का भी थोड़ा आप देखिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। इम्पीरियस का मतलब होता है अहंकारी, घमंड, ठीक है, घमंड अहंकार। तो देखिए अगर मैं प्राउड इसका आंसर अगर सही लगाऊं तो देखिए प्राउड तो होगा गर्व, तो बे मुझे नहीं लगता कि सार्थक आंसर होगा, क्योंकि हमने देखिए अगर चार ऑप्शन में भी कुछ ऑप्शन ऐसे दे रखे हों जो मुझे लगता है भाई सब जे भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, तो हम आंसर बोल लगाते हैं जो उसके ज़्यादा करीब होगा और ज़्यादा बेटर आंसर हो सकता है, यानी कि जो अच्छे में भी सबसे अच्छा इसका विकल्प होगा वो आंसर रहता है। टेम्पर तो लिखा ही गलत है, सी। डिस्टेंस तो नहीं होगा, डिस्टेंट तो नहीं होगा, वो तो हो जाता कि फार्थेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, फार्थेस्ट के लिए दूर, तो टेम्पर मेरे अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन बी। बाकी देखिए अगर मैं जहां आपको गलत भी मेरे द्वारा कोई आंसर बताया जाता है तो मैं आपकी ओएमआर शीट में गलत है सही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो आप आंसर भर चुके हैं, वो आपको उसका नंबर मिलेगा, गलत होगा तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन, तो इसमें आपसे टेंस पूछ जा रहा, मैंने आपको बताया था कि आप टेंस जरूर भाई पढ़ के जाइए, टेंस जरूर पढ़ना है आपने। तो देखिए बिल तो फ्यूचर, हैव बीन यूज हो रहा तो परफेक्ट, कंटिन्यूज नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूज तब होता है कि सर्व्ड की जगह सर्विंग होता, क्योंकि कंटिन्यूज टेंस में क्या होता है आईएनजी का यूज होता है, जहां पर कहीं भी नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, 36 का बी, ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलेट, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद देम, इसका आंसर होगा 38 का बी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, चूज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, टू डिसीव को हम कैसे लिखते हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा बे होगा ऑप्शन बी, डिसीव, हाँ ऑप्शन बी ही होगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, जो मैंने करवाया हुआ आपको आप देख सकते हैं, ही इज वन आइड पर्सन, ए आएगा। मैंने आपको बताया ये नहीं देखना कि आप बोवल से शुरू हो तो हम आंखें बंद करके एन का यूज करेंगे, आपने देखना कि आप साउंड भी बोवल कर नहीं कर रहा, वन व तो ब किसका साउंड हो गया, व्यंजन का, यानी कि हम किस कॉन्सोनेंट का हम यूज़ करेंगे, ए का। चूज द करेक्टली सिनोनिम ओडेस्टी, तो इसका यूज आंसर होगा बोल्डनेस। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मेलिस, मेलिस का आंसर होगा गुडविल, क्योंकि मेलिस का जो मेलिस का जो हिंदी में मीनिंग होता है द्वेष, तो हेट, इलविल, स्पाइट, ये तो इसके हो गए सिनोनिम, हमने क्या बताना इसका एंटोनिम, तो हमारा आंसर होगा गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, द टीचर सुजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट ए न्यू लेसन, क्योंकि जब भी लेटर्स को हम कन्वर्ट करें तो शुड का यूज़ जरूर होगा, ही का नहीं करेंगे क्योंकि ही के भी शुड लिखा हो, क्योंकि ज़्यादा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो दे आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट
हम देखते हैं ही सेट टू हिज टीचर गुड नाइट सर। देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सबसे बेटर आंसर होगा बी, क्योंकि वैसे इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए कि ही विश्ड हिज टीचर गुड नाइट, ठीक है। परंतु देखिए इन्होंने ऑप्शन में सर लगा रखा नाल में साथ में, तो जब सर का यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम देखिए थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं कि बे कह रहा है उसने अपने टीचर को क्या किया गुड नाइट, तो सर सर दो बार नहीं आना चाहिए, यानी कि टीचर भी आ रहा है इसमें और सर भी, तो ये नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर बी होना चाहिए। 45 देखते हैं, प्रोहिबिटेड आपको क्या बताने सिनोनिम्स, तो प्रोहिबिट का मतलब निषेध प्रतिबंध, तो आंसर क्या होगा सी वैन। रेग्रेट मीन्स होता है पछतावा, तो इसका आंसर होना चाहिए रिपेंट। भीमस्केल तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर हिंदी में इसे कहते हैं सनकी, तो आप खुद ही अब आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा मैड। इंटरमिटेंट का मतलब होता है लगातार लगातार, तो इसका देखिए राइट आंसर होगा पीरियोडिक। ऑब्स्टिनेट तो ऑब्स्टिनेट का मतलब है जिद्दी, तो जिद्दी का होगा स्टवर्न, ठीक ऑप्शन बी। कार्डिनल, कार्डिनल का अगर मैं आपको और सिनोनिम बताऊं तो होता है बेसिक मुख्य, तो चीफ, इसलिए इसका आंसर होगा राइट चीफ 50 का ए। अब देखिए मैथ के मैं फटाफट से आपको आंसर बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैथ के मैं फुली सॉल्व कर कर बताऊं तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं, वैसे मैंने बताए हुए हैं आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं करवाता या ना करवाता इसमें सिंपल आपने क्या करनी है गुणा, तो देखिए इसका आपको अगर जिसका गलत है तो वो भी खुश हो जाए, या तो इसका आपको ग्रेस मार्क मिलेगा या फिर इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो सही आंसर आना चाहिए वो है ही नहीं। आप देख सकते हैं मैंने साथ में आंसर लिखा -84 पी की पावर 6 क्यू की 5 आर की 6, कहीं भी नहीं दे रखा क्यू की 5 दे रखा तो आर की 6 नहीं दे रखा, अगर आर की 5 दे रखा है सॉरी आर की 6 दे रखा तो क्यू की 5 नहीं दे रखा, यानी कि इसका आंसर गलत है। 52 का भी आंसर गलत है, इसमें भी जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आंसर है ही नहीं जो आंसर इसका करेक्ट आएगा। उस गोले का आयतन जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो मुझे लगता है मैंने 25 में से आपको 22 क्वेश्चन तो मेरे करवाए हुए में से 100% आए हुए हैं। उस गोले का आयतन उसकी त्रिज्या आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, फार्मूला यूज़ करें बस आर की जगह आप क्या भरेंगे 2d/3, तो इसका आंसर होगा ए। 54 का राइट आंसर होगा 1, क्यों होगा 1 क्योंकि -1 की पावर इवन में है, और आपको पता है एक को जब हम लाख बार गुणा करें करोड़ बार गुणा करें तो एक ही आता है, इसमें जो खेल है वो है साइन का कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। आपको पता है जब आप माइनस को दो बार गुणा करते हैं यानी कि सम बार गुणा करेंगे तब क्या आता है प्लस, तो पावर क्या है इवन, तो आपका आंसर होगा 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो एज इट इज़ पूरा ही मैंने करवाया हुआ, यही मैंने हज़ार की ही एग्जाम्पल दी थी आपको जब मैंने चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज शुरू किया था, तो इसका आंसर होगा 210। मैंने आपको कहा था कि हजार का चक्रवृद्धि ब्याज था कि ब्याज पर ब्याज मिलता है, हजार का 10% पहले साल कितना मिला 100, अगले साल भी कितना 100, परंतु अगले साल जो पहले साल आपको 100 रुपया मिला उसका भी 10% मिलेगा यानी 10 रुपये, और 100 100 200 प्लस 10 210 रुपीज़, तो इस तरीके से। तो आप सीधे देखिए आंसर देखते रहिए, 56 का आंसर होगा बी 6000 रुपये, 57 का आंसर होगा रेलगाड़ी वाले का 150 किलोमीटर। जय क्वेश्चन मैंने देखे जो सुपर क्लास डाली थी, जब मैंने कहा था कि मैथ की सुपर क्लास एक ही वीडियो में आपकी रिवीज है, वो देखिए उसमें जो डिस्कस किए वही आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही आपको विक्रय मूल्य वाला सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कहा था 25% 10% को आप 10/100 लिखिए, फार्मूले मैंने आपको बताया जब लाभ और हानि के क्वेश्चन करवाए थे। तो रेलगाड़ी देखिए आपका क्या होता है, आप देखिए अट्रैक्ट किन चीज़ों की तरफ होते हैं, आपको जो तो देखिए बच्चा पढ़ने वाला है उसे पता है कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो मुझे इनसे पढ़ना चाहिए नहीं। आप देखते कि हमें पढ़ाया कैसे जा रहा है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड वो ये तो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है ऐसे, तो ये नहीं देखना आपको, आपको मतलब होना चाहिए कि पढ़ाया कैसे जा रहा है, हमें समझ आ रहा है कि पढ़ाने वाले को खुद आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि यार वो तो डिजिटल ब्लैक बोर्ड तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे वो हमारे दिमाग में घुस जाएगा एक बार देखने से, ऐसा नहीं होता, ठीक। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको पता हमारे पढ़ाई हुए में से बहुत आया हुआ है। और देखिए अभी तो हमने देखिए सिलेबस भी पूरा कवर नहीं कर पाए थे इसका, तो और दूसरी बात देखिए हमें भी पता है कि व्यूज़ किन वीडियो को डालने से आते हैं, अगर मैं रोज़ जीके की वीडियो डालता हूँ हमें पता है जीके की डालने से आप बहुत खुश होते हैं भाई साहब मॉक टेस्ट देते जाओ, तो हम भी चाहते तो हम भी रोज़ ऐसी वीडियो डाल सकते थे, परंतु हमें क्या था कि हमें आपका भरोसा जीतना कि आपको लगे कि भाई साहब हम इनसे पढ़ रहे तो इनसे पढ़ाए हुए में से आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे मॉक टेस्ट इतना मा मॉक टेस्ट इतना मा मॉक टेस्ट उसमें आए कुछ नहीं। और आपने देखे होंगे जीके आपने बहुत सारी पढ़ी, ज़्यादातर जो चैनल है वो जीके ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो मुझे बताइए देखिए जीके मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत सिंपल आती है अगर आपने ना भी पढ़ी होगी ना, और वैसे भी देखिए जो आप पढ़ के उससे मैं बाहर से ही आपको ज़्यादातर देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल से होते हैं, और किसी भी चैनल ने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए भी नहीं होंगे, आप फिर भी कर कर आए होंगे क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत सिंपल थे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था इंग्लिश हिंदी और मैथ पर जोर दीजिए वही आपको मेरिट में लाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 57 का हो गया सी, 58 का क्या होगा
एक से ही 1/6 होंगे, इसका आंसर होगा 7/6। देखिए इसको आप सोल्व करें तो आपका आएगा 343/216। फिर आपका करेंगे घनमूल, अंश का अलग से घनमूल कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया जब वर्गमूल करवाया था मैंने कहा कि आप अंश का अलग से वर्गमूल लिख सकते हैं उसका नीचे। आप जहाँ घनमूल करना है तो घनमूल के तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, जो तो सीधा ही आपको पता होना चाहिए 10-20 तक तो आना ही चाहिए वर्गमूल और घनमूल। तो 343 सात का होता है घनमूल, 216 होता है 6 का, तो आपका आंसर होगा 7/6। इन्होंने 7/6 को और तोड़कर लिखा हुआ 1 से ही 1/6। 59 का आंसर होगा सी, 5.0201। 60 ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मैंने करवाया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि भाई किसी की भी पावर 0 हो तो मतलब होता है 1, 2 की पावर 0 1 गुणा 3 की पावर 0 1 गुणा 4 की पावर 0 1, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1, तो आंसर 1। 61 का आंसर होगा बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 62 का आंसर होगा बी, 63 का आंसर होगा 1, 64 का आंसर होगा 360 यानी कि ऑप्शन डी, 65 का आंसर होगा सी। देख लेंगे आप इस क्वेश्चन को, आप बहुत आसानी से कर सकते थे, आप सिंपली गुणा करके देख सकते थे, 567 को आप पहले ऑप्शन डी से गुणा करते, क्या मेरे पास 567 बन रहा है, फिर आप 567 को सी ऑप्शन से गुणा करते, क्या मेरे पास 567 बन रहा है, तब आपको अपना आंसर पता चल जाना था। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, कोई भाग करने की देख कर भाग कर कर देखने की भी जरूरत नहीं थी। 66 मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, आपको सिर्फ आर चाहिए था, आपको पता है बेलन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला था 1/3 πr² एच दिए हो, आर के वैल्यू निकालनी थी, आर आप कैसे निकाल सकते थे, आधार का बता रखा गया, आधार की परिधि, भाई इतनी आधार की, बेलन का आधार होता है क्या, एक वृत्त होता है, तो 2πr वाला फार्मूला इज इक्वल टू 44 cm, आर निकालना था वहाँ से, आर उस तरफ पुट करना आपका आंसर आ जाना था। 67 का आंसर होगा 36, कैसे होगा, 56 में जब मैं 45 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 11 जाएगा, दूसरी तरफ 17 में से माइनस होगा तो 6 आएगा। अब मैं जब वैल्यू चाहिए एक्स की, ना कि अंडर रूट एक्स की, तो अंडर रूट कैसे हटा सकता, दोनों तरफ लूंगा स्केयर, जब मैंने दोनों तरफ स्केयर किया तो अंडर रूट एक्स का स्केयर का मतलब क्या होगा एक्स, क्योंकि अंडर रूट और स्केयर जाएगा कट, तो एक्स रह जाएगा उधर, 6 का स्केयर 36 आंसर। 68 का आंसर होगा 1386, सॉरी इसका आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर। देखिए जे भी मैंने, और देखिए मुझे ये भी पता होता है कि बच्चे आप गलती कर कहाँ सकते हैं और आपको ऑप्शन कैसे दिए गए होंगे, तो शायद मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, जहाँ जब मैंने क्षेत्रमिति वाली वीडियो बनाई थी, तब मैंने कहा था भाई साहब कि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर यानी कि वर्ग में लिखा जाएगा, चाहे मीटर हो तो उसका स्क्वायर लिखा जाए, किलोमीटर हो तो उसका, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए आंसर दो, मैंने आपको कहा था ना ऐसे आंसर दे सकता है ऑप्शन में, अब तो देखो किसी ने तो फटाफट से लगा दिया होगा, तो उसने तो 1386 सेंटीमीटर जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पर टिक, तो ये तो अब मैंने देखा कि मैंने गलत लगाया हुआ टिक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन ए होगा भाई साहब 68 का 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो जी आप याद रखें, मैंने ये आपको बताया था कि ये गलती आप कर सकते हैं, तो इससे आपको बचना और आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। 1386 वर्ग सेंटीमीटर 68 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ना कि बी जो कि मैंने टिक लगा रखी है। 69 का होगा आंसर बी, 32 ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, विषम का भी करवाया था, सम का भी करवाया था, ये भी बताया कर्मगत होते क्या, और मैंने बताया था हमने माननी कौन सी संख्या। ठीक है, तो 69 का बी, 70 का 65, 71 का सी, फार्मूला भी मैंने आपको करवाया, वो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने कहा था ना, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला आप लिख सकते हैं, जैसे पी इंटू 1 + r/100 की पावर t, मैंने बताया था अगर 2 वर्ष पहले की या कितने भी वर्ष पहले की निकालनी हो तब आप क्या करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे, अगर आपने निकालनी हो माइनस यूज़ करेंगे, अगर आपने निकालनी 2 वर्ष पहले की तब आप बटा करेंगे, ऐसा मैंने आपको फार्मूला लिखाया हुआ है ये वाला, तो इसका आंसर होगा 5202। 72 का आंसर होगा 54, ये भी मैंने बताया हुआ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदला, 18/5 से गुणा करेंगे, ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। 73 का राइट आंसर होगा सी, ये भी मैंने करा 10%, सुपर वीडियो ही देख सकते थे आप यार, उसमें मैंने आपको बताया कि 10% को यूज़ कैसे करेंगे, 10/100, अब वृद्धि हो रही तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा कि 100 पहले इनकम थी, 10 की वृद्धि होगी 110 अब होगी, अब मुझे बता दे रखी है 154,000 के, यानी कि 110 को मैं लिखता 154,000 के बराबर, 100 की वैल्यू निकाल लेता, तो इसका आंसर होगा 140,000 73 का। 74 का राइट आंसर होगा 350%, ये भी मैंने करवाया हुआ प्रतिशत में, मैंने कहा था किसी चीज़ को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से करेंगे गुणा, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से करेंगे भाग। देखिए मैथ तो सारा ही मेरे करवाए हुए में से आया था, मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा, सर आप कहते हैं कि मैथ के 25 से 25 क्वेश्चन मेरे करवाए हुए में से आएंगे, क्या पेपर आपने सेट किया हुआ, तो देखिए अगर मैं सारा करवा पाता आपको हिंदी इंग्लिश तो फिर आपको यही लगना था कि पेपर सेट ही हमने किया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 350%। 75 का आंसर होगा -13/3 यानी कि ऑप्शन बी, जो मैंने टिक लगा रखी है वही उनके राइट आंसर, जिसकी टिक पीछे लगाई थी वो गलत था, मैंने आपको बताया था वो वर्ग सेंटीमीटर वाला, तो क्योंकि जब भाग को आप गुणा में बदलेंगे तो भिन्न हो जाएगी, उल्टी 13 ऊपर चलेंगे 21 नीचे,
तो 7 से 3 कट जाएगा, 21 कट जाएंगे 3 बार, और माइनस तो आएगा आएगा, तो माइनस तो आना ही चाहिए, तो ऑप्शन बी। अब देखिए बात करते हैं लास्ट सेक्शन जनरल नॉलेज की। तो दांतों के सबसे बाहरी परत को कहते हैं इनेमल, जो डेंटिन है वो सबसे अंदर की परत कहते हैं। तो 77 का आंसर होगा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद, 78 का होगा जमुना, 79 का होगा छोटी आंत। नाम इसका छोटी आंत है परंतु भाई साहब इसकी लंबाई सबसे बड़ी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग तो चेनानी नाशरी। 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे, तो भागमल सोठा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय स्लेन। पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। रोंगटोंग कर्शम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, जो 2 मेगावाट की, जो कि लाहौल स्पीति में। तो किसका इसका आंसर होगा सतलुज। शुष्क बर्फ क्या जाने की ड्राई आइस, तो ये क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र यानी वेनस। नेक्स्ट है कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है, तो विवर्तनिक बल यानी कि टेक्टोनिक फोर्सेस, ऑप्शन सी। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो जे भी करवाए हुए मैनाक पर्वत। कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता, तो चमगादड़ होगा, क्योंकि कठफोड़वा उल्लू तो श्योर है कि वो वैसा पक्षी ही, आपको भी पता होगा। आपको कन्फ्यूजन होगी सी और डी में, तो आपने सुना होगा कि भाई साहब शत्रुमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ऐसी बहुत बार आपने ऐसी लाइन सुनी होगी कि शत्रुमुर्ग ऐसा पक्षी है बस वो जोड़ नहीं सकता, तो पक्षी है तो पक्षी की श्रेणी में आ गया। पूछा गया पक्षी नहीं, तो आपका आंसर होगा चमगादड़, जो कि स्तनपाई मैमल्स है। खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है, तो देखिए ये बहुत नया सा क्वेश्चन डाला हुआ, अजीब सा। तो इसका आंसर होगा शाकाहारी और मांसाहारी। 93 का आंसर होगा आलू, जिसके साथ भी कुफरी लगा होगा, मैंने आपको कहा था जिसके आगे भी कुफरी लगा होगा, किसकी किस्म होगी आलू की। भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है, तो धर्मशाला, मैंने आपको बताया था, और किसी ने कमेंट किया सर नहीं आप गलत बता रहे हैं, धर्मशाला नहीं होता इसका आंसर, तो भाई साहब इसका आंसर धर्मशाला ही होता है। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी, तो जे मैंने भाई साहब इंडिया जीके की सिर्फ 2 ही क्लास लगातार लगा पाया था, और पहली जो क्लास उसमें मैंने इसका आपको बताया, उसमें मैंने आपको ऐसा बताया था कि जो अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो मैं उसमें एक मैंने आपके लाइन कही थी कि ये संस्कृत की पहली व्याकरण थी, कहा था ऐसा, तो किसने लिखी, पाणिनि ने। भूतनाथ मंदिर मंडी में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तो कुल्लू में, कुल्लू कहाँ पर है, हिमाचल में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली, तो 1853 में चली, 1853 में चली, तो देखिए 1853 किसी और ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो आप आंखें बंद करके ऑप्शन ए लगा सकते हैं, चाहे 16 लिखा, 17 लिखा, कुछ भी हो लिखा हो। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1971, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी, तो रेणुका। रेणुका कहाँ पर, सिरमौर, जब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट करवाया था। तो देखिए इसी के साथ मैंने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, कहीं भी कोई डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, परंतु मैं आपकी, मैं पहले ही कह दूं आपकी, मैं ओएमआर शीट में गलत नहीं कर रहा हूं, वहां पर आपने जो आंसर भरा है अगर सही है तो उसका आंसर आपको सही मिलेगा, अगर गलत है तो उसको आपको नंबर नहीं मिलेगा। और देखिए अभी हम नेक्स्ट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि किसकी हम क्लासेस शुरू करें, जहाँ मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैथ की हम ऐसी क्लासेस, जहाँ ऐसे इस तरीके से क्लासेस लगाएं कि सारा ही कवर हो जाए, चाहे वो सेक्रेटरी का जो निकलेगा, जो सचिव के पंचायत सचिव का, तो उसके लिए भी, क्योंकि मैथ का देखिए कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, तो बस ये होता है कि हमें थोड़ी मुश्किल क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं जो अगर हायर एग्जाम हो, परंतु तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी क्लासेस लगाऊँ जो आपकी आर्मी भर्ती के लिए भी, और आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, और पंचायत सचिव के एग्ज़ाम के लिए भी, तीनों के लिए उसका आपको लाभ मिले। और देखिए एचपीजी के अब आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, उसके हम सीधे मॉक टेस्ट करें, क्यों करेंगे, क्योंकि जो पटवारी एग्ज़ाम है उसकी आप प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है एचपीजी के की, और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल में आपको उसके क्वेश्चन समझाए हुए हैं, क्योंकि आप कोई एचपीजी के उसके लिए तो अलग नहीं आएगी, जब मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं, तो बार बार एक ही टॉपिक पढ़ाने से कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैथ में आपको करवाऊंगा फिर से, इससे भी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि ऐसा नहीं, आपको ऐसा समझाना चाहिए जिससे आपको और तरीके से, क्योंकि मुझे पता, मैंने आपके कमेंट पढ़े हुए हैं कि किस टॉपिक में आपको मेरे कहाँ आपको थोड़ी दिक्कत हुई समझने में, तो वो मैं आपकी क्लासेस दोबारा लगाऊंगा, और इंग्लिश और हिंदी भी आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। आपने देखा होगा मेरे पढ़ाई हुए में से आया हुआ है सारा कुछ, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाए, कोई पेड कोर्स नहीं हम नहीं लगाएंगे कभी भी। अगर देखिए पेड कोर्स नहीं लगाएंगे, अगर हम ऐसा लेकर आएंगे भी अगर पेड कोर्स, तो वो ऐसा वो आपके लिए ऑप्शनल होगा, ऑप्शन मीन्स ऐसा होगा, ऑप्शनल ऐसा होगा कि अगर कोई कर सकता है तो वे कर सकता, नहीं तो आपकी जो क्लासेस लगेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री क्लासेस ही लगेंगी आपकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए हम इसलिए हम हमारी जो आंसर की आपको लेट परसेंटेज
प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आपको, क्योंकि हमारी आप पर भरोसा कर सकते हैं इस पर आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम व्यूज़ के चक्कर में ऐसे ही सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर एच पी जी के डाल दें, जो जो भी इसमें जी के आई हुई कि वैसा बस ये पढ़ लीजिए वो बाहर लिख दें कि वैसे पूरा पेपर हल, तो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर वो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब हम जल्दी ही नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आप देखिए एक हमारी रेगुलर क्लासेस, हम जैसे आप किसी टीचर के पास पढ़ें या किसी कोई कोचिंग ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डेली टू डेली इस तरीके से आप हमारे जुड़ जाते हैं, तो इसलिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।